हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारी जीके की प्रैक्टिस सेट 23 को हम देखने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी तक हमने लास्ट वीडियो में 22 कंप्लीट कर लिए हैं। कल किसी कारणवश आपकी क्लास नहीं आ पाई थी 8:30 बजे नाइट में, लेकिन आज कंटिन्यू रहेगी, आज आएगी, है ना। ये मैं वही पार्ट कंप्लीट कर रहा हूँ जो कल आपका रह गया था। और दोस्तों, आपको बता दें, अभी तक हमने 22 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, 22 पार्ट प्रैक्टिस सेट, जिनमें ऑलमोस्ट आपका 99% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। आपने यदि इनको नहीं देखा तो सबसे पहले आप जाइए योर एग्जाम जीके 2020 सेक्शन पर, आपको सारे पार्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। देख डालिए और बार बार इनको रिपीट कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपके इसी टाइप के बनेंगे और यहीं से बनेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना लेते हम वीडियो में बढ़ते हैं आगे। बट आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। आपका क्वेश्चन है, क्या जूट मुख्यतः उगाया जाता है वेस्ट बंगाल में, एमपी में, यूपी में या फिर आपका उत्तराखंड में? आपको बताना है जूट मुख्यतः उगाया जाता है। राइट आंसर जाएगा आपका क्या, वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में जूट मुख्यतः उगाया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपका क्वेश्चन है क्या, अच्छे से रीड कीजिए, हरित क्रांति का आधार है। आपको बताना है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, गुलाबी क्रांति, ये सारी क्रांतियाँ हुई हैं, इनके आपको जनक याद रखना है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। एंड इसके साथ साथ इसका आधार क्या था आपको ये बताना है। उन्नत बीज, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक, पशुधन उर्वरक, उन्नत कृषि उपकरण भंडारण, मानव श्रम, पशुधन उर्वरक, कृषि उपकरण या फिर सिंचाई, मानव श्रम, कृषि उपकरण। अब बताइए इन्हीं चार में से कौन से ऑप्शन यहाँ पर राइट होने वाले हैं। आपको बताना है क्या हरित क्रांति का आधार, बेस। तो फ्रेंड्स, आपके यहाँ पर राइट आंसर जाने वाला है क्या, उन्नत बीज, सिंचाई, उर्वरक और कीटनाशक। ओके, यह इसका आधार रहा है। आपको इन सारे के जनक भी याद रखना है, और किसका संबंध किससे है ये भी याद रखना है। हरित क्रांति का संबंध किससे है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, इसी प्रकार से आपका सुनहरी हर एक चीज़ का आपको जनक याद रखना है और संबंध। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन है क्या, भारत के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। खनिज और यहाँ पर 90% स्रोत कहाँ पे है, तांबा का झारखंड, ये तो है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। निकेल ओडिशा, हाँ जी बिल्कुल 100% राइट है, निकेल में करीबन 90% के समथिंग स्रोत हैं निकेल के आपके ओडिशा में। और टंगस्टन केरल यहाँ पर जी रॉन्ग है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड ही राइट जाता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आपका क्वेश्चन है, विंध्य शैलों में जिसके सब बृहद भंडार पाए जाते हैं वह हैं, चूना पत्थर के, बेसाल्ट के, लिग्नाइट के या फिर आपके लोह आयस के। आपको बताना है क्या, जो विंध्य शैल है जिसमें बृहद भंडार पाए जाते हैं वह क्या है। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों को बता दें, यहाँ पर राइट आंसर जाने वाला है क्या, आपका चूना। विंध्य शैलों में बृहद भंडार पाए जाते हैं आपके चूने के। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त राख तंत्र है, रॉक तंत्र है क्या, कड़प्पा तंत्र, धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र या फिर विंध्य तंत्र। आपको बताना है क्या, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र। तो फ्रेंड्स, आपके यहाँ पर राइट आंसर जाने वाला है क्या, जी हाँ दोस्तों, आपका राइट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या है आपका, जी दोस्त बोलने में मिस्टेक हो गई, आपका सेकंड होगा क्या, धारवाड़ तंत्र, सेकंड इज़ राइट। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र धारवाड़ तंत्र। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन है क्या, डिफेंस देखिए, राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। आपको बताना है, जो राज्य का महाधिवक्ता होता है उसका प्रावधान किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 167। जल्दी से कमेंट करें फास्ट, आपका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स को बता दें, यहाँ पर राइट आंसर जाने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, आर्टिकल 165 या अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, राष्ट्रपति की चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए, 10
10-10 या 20-20, 50-50 या फिर आपका यहाँ पर 100-100। आपको बताना है क्या राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या रहनी चाहिए। फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर जाता है क्या 50-50, ऑप्शन नंबर 3। ओके चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे आपके समक्ष नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। उपराष्ट्रपति पद का जो निर्वाचन होता है उसमें कौन सी पद्धति लागू होती है आपको बताना है। सूची पद्धति, संचय मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। जल्दी से कमेंट करें एंड फास्ट आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर आपका राइट आंसर जाने वाला है क्या, आपका ऑप्शन नंबर 4, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति आपके उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताइए जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। आपको बताना है वह राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे राधा कृष्ण सर्वपल्ली, बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी या शंकर दयाल शर्मा। जल्दी से कमेंट करें फास्ट। तो दोस्तों आपको बता दें चूंकि यहाँ पर निर्विरोध की बात की गई है तो नाम निकल के आता है नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध का ना और नीलम का ना यहाँ पर कॉमन वर्ड है, आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। आपको बताना है हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति द्वारा या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए फैंस कौन दिलाता है हमारे प्रेसिडेंट को शपथ। तो फैंस आपके यहाँ पर राइट आंसर जाने वाला है क्या, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो यहाँ पर दिलाता है शपथ हमारे प्रेसिडेंट को। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे प्लान किस वर्ष प्रकाशित किया गया। जो इकोनॉमिक्स का आप क्वेश्चन है 1934, 1944, 1955 या फिर 1964, आपको बताना है बॉम्बे प्लान किस वर्ष प्रकाशित हुआ। फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2, बॉम्बे प्लान 1944 या फिर 1944 में प्रकाशित हुआ। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना किस सन में की गई थी। आपको बताना है जो राष्ट्रीय नियोजन समिति है उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई, 1931, 34, 38 या फिर आपका 42। बताइए कम ऑन फास्ट राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना किस वर्ष हुई। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर राइट आंसर जाने वाला है क्या, ऑप्शन नंबर 3, 1938 या 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना हुई। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक बुक के लेखक कौन, प्रकाशित कब की गई। आपको लेखक भी याद रखना है चूँकि नेक्स्ट आपका क्वेश्चन शायद आने वाला है। आपको यहाँ पर बताना है किस ईयर में प्रकाशित हुई, 1930 में, 1931 में, 1932 में, 1934 में। आपका क्वेश्चन है क्या प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक बुक किस वर्ष प्रकाशित हुई। फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर 4, क्या 1934 में प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक बुक प्रकाशित हुई। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन के उद्देश्य को लेकर प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक बुक के लेखक कौन है। अब लेखक बताना है आपको दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर आपका एम विश्वेश्वरैया। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जाने वाला है क्या, जवाहर यहाँ पर आपका राइट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर 4, एम विश्वेश्वरैया प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया बुक के लेखक। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस देश के आर्थिक नियोजन के प्रारूप को अपनाया यहाँ पर अपनाया गया। तो दोस्तों भारत में किस देश के आर्थिक नियोजन प्रारूप को अपनाया गया, चीन, अमेरिका, जापान या फिर आपका रूस। कमेंट करें फास्ट। तो दोस्तों बात आती है किस देश के प्रारूप को, तो दोस्तों आपको बताने आर्थिक नियोजन के प्रारूप को अपनाया है वो है रूस। ओके ऑप्शन नंबर आपका 4,
चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए। बीरबल किस अभियान के समय मारे गए जो अकबर के नवरत्न में से एक थे, गुजरात विद्रोह को दबाते समय, या यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय, मिर्जाओं के विद्रोह को दबाते समय, या फिर आपका क्या उज़्बेक दल के विद्रोह को दबाते समय। जल्दी से कमेंट करें फास्ट। तो दोस्तों आपके यहाँ पर राइट आंसर जाता है क्या, यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय बीरबल की मृत्यु हो गई थी जो कि अकबर के नवरत्न में से एक थे। ओके चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन है, सरे नौबत का अर्थ था क्या था। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सेनापति, धर्म मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, सर ए नौबत का अर्थ। फ्रेंड्स आपको बता दें यहाँ पर आपका राइट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर क्या, फर्स्ट, सेनापति। सर ए नौबत का अर्थ था सेनापति। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था कहाँ। साहेब शुजा से, जमा शाह से, या फिर आपके दोस्त मोहम्मद से, या फिर शेर अली से। आपको बताना है जो आपके रणजीत सिंह थे उन्होंने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था। तो फ्रेंड्स आपको बता दें आपके यहाँ पर राइट आंसर जाने वाला आंसर है क्या, शाह शुजा से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और अधिक से अधिक शेयर कर दें, अधिक से अधिक संख्या में आए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं इससे भी बेटर आपको कुछ कर सकूं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था कौन। रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, हेक्टर मुनरो, या फिर आपका चार्ल्स ऑयरकूट। आपको कमेंट करना है फास्ट। बक्सर के युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था। फ्रेंड्स आपके यहाँ पर राइट आंसर जाता है क्या, आपका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर हेक्टर मुनरो जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड है, हेक्टर मुनरो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन है, सहायक संधि के संदर्भ आपका संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति पर पहुंचा दिया है। किसका एक कथन है आपको बताना है, लॉर्ड वेलेस्ली, थॉमस मुनरो, लॉर्ड डलहौजी, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। कमेंट करें फास्ट। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लॉर्ड वेलेस्ली। ओके चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो कि संगठन से हैं। आपको बताना है यूरोपीय कॉमन मार्केट ECM का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। कभी कभी स्थापना भी पूछ लेता है तो आपको ये भी याद रखना है, मॉस्को, कोहिरा, वाशिंगटन DC, या फिर आपका जेनेवा। जल्दी से बताइए यूरोपीय कॉमन मार्केट ECM का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों आपके यहाँ पर राइट आंसर जाता है क्या, ऑप्शन नंबर फोर्थ, जेनेवा। दोस्तों ऑलमोस्ट आपके 60% के समथन संगठन आपके जेनेवा में है। ओके इसकी मैं ट्रिक प्रोवाइड करा दूंगा जो जो जेनेवा में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जेनेवा में ही संगठन है आपके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC, आपको यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, मॉस्को, काहिरा, लुसानी, या जेनेवा। तो फ्रेंड्स आपको बता दें यहाँ पर आपका राइट आंसर जाने वाला है क्या, जी हाँ दोस्तों आपका राइट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर थर्ड, लुसानी। आपका जो IOC है इसका फुल फॉर्म याद रखना, इसका आपको याद रखना है कब स्थापना हुई और मुख्यालय इसका लुसानी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन जीव संरक्षण कोष WWF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, मॉस्को, ग्लाइंड, वाशिंगटन DC, जेनेवा। जल्दी से कमेंट करें एंड फास्ट। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर आपका राइट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर सेकंड, ग्लाइंड, स्विट्जरलैंड। ओके आपके WWF का मुख्यालय, विश्व वन जीव संरक्षण कोष। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना किस वर्ष
हुई थी? बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1952 में, 1985 में, 1955 में, 1953 में। जल्दी से कमेंट करिए फास्ट, इंदिरा गांधी कला केंद्र की स्थापना। तो फ्रेंड्स आपके यहाँ पर राइट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर सेकंड, 1985 या 1985 में। चलिए हम देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपका क्वेश्चन है क्या, आपका क्वेश्चन है केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपका कराईकुडी में, दुर्गापुर में, भावनगर में या कोलकाता में। आपको कमेंट करना है क्या केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपके यहाँ पर राइट आंसर जाने वाला है क्या, आपका भावनगर, ऑप्शन नंबर थर्ड। और दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, यदि आप ये चाहते हैं कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसी के लिए यूज़फुल है प्रैक्टिस सेट, तो आप बिल्कुल 100% गलत सोच रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आप कंपटीशन एग्ज़ाम की किसी की भी तैयारी कर रहे हों, जीके आपका जीके ही रहता है, लेवल अप और डाउन हो जाता है बस, और जो कुछ चेंज होता है मैं करंट अफेयर्स में कंप्लीट कराता हूँ। तो आप चिंता ना करें, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आपके लिए ये जीके के क्वेश्चन 100% लाभ देने वाले हैं। ओके, और दोस्तों यहाँ तक कि आपके स्टेट पीएससी में भी आप इन क्वेश्चंस को याद करके बैठ जाना, आपको ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन यदि जीके से आएंगे तो यहीं से मिलेंगे। ओके चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। आपका क्वेश्चन है क्या केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, मैसूर, रुड़की या फिर कोलकाता। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, कम ऑन फास्ट, आपको बताना है केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों को बता दें यहाँ पर आपका राइट आंसर जाने वाला है क्या, कोलकाता, ऑप्शन नंबर आपका फोर। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन है पुस्तक टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड का लेखक कौन है? आपके APJ अब्दुल कलाम, अमरीश सेन, MS स्वामीनाथन या फिर मोंटेसेह अहलुवालिया। आपको बताना है क्या बुक टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड का लेखक। फ्रेंड्स आपके यहाँ पर राइट आंसर जाने वाला है क्या, MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है भारत में पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया? फर्स्ट समाचार पत्र इंडिया में सबसे पहले किसने स्टार्ट किया? दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर जेम्स ए हिक्की। तो चूंकि फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे यहाँ पर आपका बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका राइट आंसर जाने वाला है जेम्स ए हिक्की, ऑप्शन नंबर फोर। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपकी कला संस्कृति से क्या प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है? क्या टोडी, दरबारी, भोपाली या फिर भीम पलासी। आपको बताना है क्या प्रातः काल में गाया जाने वाला राग। तो दोस्तों आपको बता दें आपका राग दरबारी प्रातः काल में गाया जाने वाला ये राग है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन है शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर अर्थवेद। चूँकि फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए किस वेद में क्या इंपॉर्टेंट है और किस में क्या वर्णित थे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर सेकंड, संगीत का जिसको जन्मदाता बोलते हैं उसका नाम है ऋग्वेद। ओके, जादू तोड़ना, आपके अर्थवेद, यजुर्वेद, मंत्रों के, दोस्तों इन चीज़ों को याद रख लेना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से क्या निम्नांकित में से कौन सा काम कंप्यूटर 12 नहीं करता? कंप्यूटर 12 इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं करता? FAT फाइल को नष्ट करना, विशिष्ट प्रोग्राम का या डाटा को मिटाना, डिस्क के फ्री स्पेस कम करना या फिर आपका सिस्टम को हैग नहीं करना। आपको बताना है कौन सा कंप्यूटर का 12 वर्क नहीं करता। तो फ्रेंड्स आपको बता दें यहाँ पर आपका राइट आंसर जाने वाला है क्या, ऑप्शन नंबर थर्ड, डिस्क के फ्री स्पेस को कम करना। जी हाँ दोस्तों, ऐसा काम कैसे कर सकता है कंप्यूटर 12, वो तो क्षति ही पहुँचा सकता है, यहाँ पर फ्री स्पेस को कम कैसे कर सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन है रैन ड्रॉप्स किस प्रकार का वायरस है? रैन ड्रॉप्स किस प्रकार का वायरस है? डाटा फाइल वायरस, बूट सेक्टर वायरस, EXE तथा COM वायरस या फिर आपका डायरेक्टरी वायरस। कमेंट करें फास्ट, आपको बताना है क्या रैन ड्रॉप्स किस प्रकार का वायरस है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें आपका यहाँ पर राइट आंसर जाने वाला है आपका बूट सेक्टर वायरस, ऑप्शन नंबर आपका
सेकंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री स्थित है, कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, आर्कटिक में, हिमालय में, आपका अंटार्कटिका में। जल्दी से कमेंट करें आपका दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बात आती है दक्षिण गंगोत्री की, तो आपका राइट आंसर जाने वाला है क्या, अंटार्कटिका में, ऑप्शन नंबर आपका 4। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन है, नैनो प्लग संबंधित है एक छोटी बुलेट से, एक छोटे सोने के यंत्र से, एक छोटे रॉकेट या लॉन्चर से, या फिर कोई नहीं। नैनो प्लग, तो दोस्तों बात आती है नैनो प्लग की, तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा एक छोटे सोने के यंत्र से। ओके, यहाँ पर आपका नैनो प्लग रिलेटेड है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो कि आपकी जीव विज्ञान का है, क्या वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? जेनेटिक्स का जनक कौन है? वर्तमान, ग्रेगर जॉन मेंडल, ह्यूगो डी ब्रीज, चार्ल्स डार्विन, या फिर थॉमस हंट मॉर्गन। जल्दी से कमेंट करिए फ्रेंड्स, फर्स्ट कमेंट आपको करना है। तो दोस्तों बात आती है वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक, यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको आनुवंशिक का जनक पहले से ही बोलते हैं, इन्होंने प्रयोग किए थे अपने मटर पर। ओके, तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करते जाएं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पर डे हमारी क्लास होती है 8:30 PM पर, तो आप आना ना भूलिएगा। आप लाइव आते हैं, मुझे भी पढ़ाने में मन लगता है, आप लाइव नहीं आते तो मेरा भी मन नहीं होता है। और ये आप भूल जाइए कि अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आपका एग्ज़ाम आने वाला है, आपके पास करीबन 1 मंथ ही समथिंग है। मेरे हिसाब से आपको आप पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन भी करना है, क्योंकि आपके जीके कंप्लीट ही हो गया है, तो अब आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं जल्द ही आपको हिंदी रीजनिंग एंड मैथ्स की क्लास लाने वाला हूँ, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।